दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज के हारे विराट कोहली की कप्तानी सवालों के घेरे में आ गई है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ ने विराट कोहली की कप्तानी पर ही सवाल उठा दिए हैं। स्मिथ के मुताबिक विराट कोहली लंबे समय तक टीम इंडिया की कप्तानी करने के विकल्प नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली का तरीका टीम और उसके खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सुपर स्पोर्ट चैनल पर ग्रेम स्मिथ ने बयान दिया, हम सब जानते हैं कि विराट कोहली कितने जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उनकी आक्रामकता उनके निजी खेल को सुधारने में मदद दे सकती है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर आपको सोचना होता है कि आप कैसे दूसरे खिलाड़ियों पर असर डालते हैं। ग्रेम स्मिथ ने सीधे तौर पर कहा कि विराट का स्तर दूसरे खिलाड़ियों से काफी ऊपर है, जिसके चलते वो दूसरे खिलाड़ियों से कटे हुए हैं और उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं। विराट का दूसरे खिलाड़ियों से संपर्क अच्छा नहीं है और उनका व्यवहार भी खिलाड़ियों का मनोबल गिरा सकता है। ग्रेम स्मिथ ने कहा कि कप्तानी के मोर्चे पर विराट कोहली को बहुत सुधार की जरूरत है। अगर विराट सुधार नहीं कर पाते हैं तो लंबे वक्त तक कप्तानी का दमखम उनमें नहीं है। ग्रेम स्मिथ ने साथ ही ये भी कहा कि हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा का टेम्परामेंट विराट से कहीं आगे है और रोहित में धोनी की झलक दिखती है, इसीलिए अगर विराट कप्तानी में फेल होते हैं तो रोहित कप्तानी के अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।